जी स्टूडेंट्स अलकुम वरह वक्त तो आज हम आपका जो शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन है उसको पढ़ने जा रहे हैं वी हैव कम्प्लीट दोइ्ट सेक्शन पोइट्री सेक्शन ने हम ऑलरेडी कम्प्लीट किया है तो आज हम पहली शॉर्ट स्टोरी जो है उसकी इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे एंड द नैम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज़ द नैकलस तो नैकल्स का नाम आपने सुना होगा जो गले में हार पहनते हैं मोस्टली वमेन जो होते हैं तो इसका टाइटल ये है द नेकलेस एंड दिस शॉर्ट स्टोरी इट इज़ रिटन बाय ए फ्रेंच राइटर गीदू मुपस्सो गीदू मुपस्सो ने इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है एंड ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फादर्स ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के फादर माने जाते हैं गीदो मुपसु तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है वी विल कम अक्रॉस ए फ्यू करेक्टर्स इसमें भी कुछ करेक्टर्स जो है लेकिन इसमें जो मेजर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है डेट इज़ मेटेडा लॉयजल और उसके हस्बैंड जो होते हैं मिस्टर लॉयजल वो तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है मेटेडा की सहेली वो काफ़ी रिच होती है उसका नाम होता है मिसर्स फ़ॉरेस्ट। तो आज हम इस शॉर्ट स्टोरी की इंट्रोडक्शन लेंगे मेटिल्डा इज़ अनहैप्पी बिकॉज शी हैज़ बीन लिविंग ए पुअर लाइफ मेटिल्डा जो है वो अपने आप से नाखुश थी क्योंकि वो एक गुरबत की जिंदगी बसर कर रही थी शी वॉज मैरीड उसकी शादी हो चुकी थी बट शी वॉज मैरीड टू एर्डिनरी क्लर्क और अ स्माल क्लर्क एक क्लर्क के साथ उसकी शादी हुई और उसकी जितने भी डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल न हो सके और इसीलिए वह अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश थी शी सेज शी इज़ बोर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ clerks. एक गरीब खानदान में पैदा हुई और एक शोहर जो उसका था वो एक मामूली सा क्लर्क था जिसकी तनख्वाह उतनी नहीं थी शी has बिग ड्रीम्स बट नो मीन्स टू रियलाइज those ड्रीम्स वो बड़े बड़े सपने देखती थी लेकिन वो उन सपनों को रियलाइज dreams ड्रीम्स she शिकॉट फुलफ़िल दो ड्रीम्स वो उन सपनों को पूरा न कर सकी क्योंकि उसके पास जो ख्वाहिशें हैं बहुत ख्वाहिशात थे लेकिन इसके हस्बैंड वो सारी ख्वाहिशात पूरा नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी तनख्वाह बहुत कलील थी डैट्स वाई शी वाज अनहैप्पी अगर वो बहुत सपने देखती थी लेकिन वो उनको पूरा करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था विच इज़ द कॉज ऑफ हर अनहैपीनेस डैट्स वाई शी वाज ऑलवेज़ अनहैप्पी इन हर लाइफ वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में नाखुश थी मेथलरा इज़ इन्वाइट टू ए ग्रैंड पार्टी एक दिन उसको एक पार्टी में उसको इनविटेशन मिलती है एक दावत नामा उसको मिलता है अब वहाँ जाना था शी हैड ए ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी उसके पास एक अच्छा सा ड्रेस था लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं थी नेकलेस था बाकी चीज़ें थी जिससे एक औरत सचमुच में खूबसूरत लगती है शी वॉज़ नॉट हैविंग ज्वेलरी एट ऑल एक अच्छा सा ड्रेस ज़रूर था लेकिन ज्वेलरी उसके पास कुछ भी नहीं थी शी बरोज़ ए फ्रॉम फ्राम फ्रेंड तो इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि वो उधार पे लेती है ये नेकलेस अपनी एक सहेली उसकी होती है जिसका नाम होता है मैडम और मिसर्स फॉरस्ट्रियर वो शी वॉज अ रिच वमेन बहुत अमीर घर की होती है तो मेटिल्डा उसे उधार लेती है डायमंड नेकलेस एंड लूज इट और क्या होता है जब वो ग्रैंड पार्टी में जाती है और अचानक वहाँ से जब वो वापस मुड़ती है या वापस आती है शी लूज़ इट वो खो बैठती है शी लॉस डैट नेकलेस अब वो सहेली का जो नेकलेस था वो उसको घूम गया रास्ते में वाट हैपन्स देन इज़ रियली आयनिकल उसके बाद क्या हो जाता है मेटल्डा की ज़िंदगी में डेट्स वेरी आयरनिकल शी हैड फेस ऑल ऑल ऑफ ऑफ ट्रबल्स इन हर लाइफ उसको तमाम तकालीफ उठाने उठाने पड़ते पढ़, हैं क्योंकि ये नेकलेस जो था काफ़ी क़ैमती होता है तो जब उसने उसको खोया तो उसकी ज़िंदगी ही बदल गई वट हैपन्सन इज रियली आनिकल इट इज़ वेरी पैनफुल ये उधार जो उसने लिया था नैकलस इसमें उसको तकरीबा तो दस साल लगते इट टेक्स हर टेन ईयर्स और इस दस साल में इट वॉज इन डी दिटर स्ट्रगल ये बहुत टफ था उसके लिए ऐसे हालात से गुजरना और उस नेकलेस जो उसने खोया था उसको रिप्लेस करना इट वाज रियली अ चैलेंज ये बहुत बड़ा चैलेंज था रीड आउट द स्टोरी एंड फाइंड आउट द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट डेट लीडरशिप मेट लाइफ तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या होता है इस कहानी में हम ये सारा पढ़ेंगे कि कितने साल उसको लगते हैं और इस कहानी की थीम क्या है मेटल्डा जो है उसको किन हालात का सामना करना पड़ता है और वो कैसे चेंज होती है शी बिकम्स ए हॉड वुमन ए वेरी टफ वूमन काफ़ी बखूबी उन हालात से जिनसे वो जिनका उसको सामना करना पड़ता है वो बखूबी उन हालात से गुजरती है और अपने आप को प्रूव करती है तो ये भी ये भी हमें आगे जाकर पता चलेगा कि इंसान के पास जो होता है वन शुड बी कंटेंटेड व्हाट गॉड हैज गिवन टू अस हमें जो ऊपर वाले ने दिया है हमें उससे मुतमिन रहना चाहिए वी शुड बी कंटेंटेड विद डेट कंटेंटन कंटेनमेंट ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेटिसफाई होना अपने आप से अगर कम हो उसी में सेटिसफाई होना चाहिए तो मेटल्डा जो थी उसको किन हालात का सामना करना पड़ता है जब उसने लालच की जब उसने ज्वेलरी जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी उसको बारो किया और फिर किन हालात से उसको गुजरना पड़ा इट इज़ एक्सट्रीमली पैनफुल ग्रीडीनेस तो हमें लालच में कभी नहीं आना चाहिए इसीलिए लिए इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट इज़